हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, अभी एक दो दिन बीच में तबीयत खराब हो गई थी मेरी, लेकिन अब सही है, ठीक है। तो बैक टू वर्क, और आज शुरू करते हैं भाई। नाइन चैप्टर 9.1 एपी ही हम शुरू कर चुके थे, और उसके नए नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे, क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया है बच्चों, इन एन एपी, एक एपी में फर्स्ट टर्म इज टू, फर्स्ट टर्म टू है, और सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म्स, सो दैट द 20th टर्म इज -1, -1, -2। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, पहली बात, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना दिया हुआ आपको? टू, यानी जो ए है वो आपको टू दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। नाउ लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तो क्या माना कॉमन डिफरेंस को? डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि फर्स्ट फाइव टर्म का सम, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स। आपसे ये बोला गया है बच्चों, अगर आप यहां पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे तो कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कटना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि वहां पे एन हमें प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है। चलिए, अब यहां पे एक काम कर सकते हैं कि सम ऑफ फाइव फर्स्ट फाइव टर्म को मैं लिख सकता हूं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट, ए नाइन, ए टेन। और भी तरीके हैं, लेकिन मेरे को ये तरीका अच्छा लगता है, इसी से करा देता हूँ। ए ए टू क्या होगा? ए प्लस डी। ए थ्री क्या होगा? ए प्लस टू डी। ए फोर क्या होगा? ए प्लस थ्री डी। और ए फाइव क्या होगा? ए प्लस फोर डी। बराबर, ये फोर यहां डिवाइड कर रहा है, इधर आके पूरे के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ये ए प्लस में 5d, ए सेवन, ए प्लस में 6d, ए एट, ए प्लस में 7d, ए नाइन, ए प्लस में 8d, और ए प्लस में क्या है भाई? 9d। ठीक, अब फोर, एक दो तीन चार पांच, 5a, चार तीन सात और तीन 10d। ठीक है, और इसी तरह यहां पे भी 5a प्लस 5 और 6 11 और 7, 11 और 7 18। ठीक है भाई, 11 और 7 कितने हो गए? 18। 18 और 8 कितने हो गए? 26। 26 और 9 कितने हो गए? 35। तो 35d। ठीक है, अब क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 4 5 20a, 40d, 5a, 35d। अब भाई a की वैल्यू तो मेरे को दी हुई है ना, 2। ए की वैल्यू तो मेरे को पहले से ही 2 दी हुई है, तो ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 40d, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 35d। अब क्या, ये उधर, ये उधर, भाई 35d इधर आके माइनस, 40 वहां जाके माइनस, 5d माइनस 30, d की वैल्यू 6, वो भी कैसी? माइनस की। तो d की वैल्यू भाई -6। ठीक है, डी की वैल्यू -6 आ गई। अब डी आ गया तो क्या कह रहा है? नाउ ये प्रूव करना है कि ए 20 माइनस 112 है, तो कितना हो जाएगा भाई? ए प्लस में 19d। ए कितना है? ए है आपका 2, और डी कितना आपका? -6। तो ये 2 प्लस में ये कितना हो गया? -114, प्लस माइनस -114, और ये माइनस हो जाएगा 112। आंसर है सिंपल, करो, नोट करो इसे। नोट कीजिए इसको, छठा भी हमने कर लिया था, सातवां भी हमने कर लिया था, आठवां भी कर लिया था, नाइन्थ ये करते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। नाइन्थ देखिए, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशो 4n
फाइव एन प्लस फोर रेशो नाइन एन प्लस सिक्स फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18 टर्म्स। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला उसने, कह रहा भाई एक एपी है जिसके दो टर्म्स का सम का रेशो 5n प्लस 4 और 9n प्लस कितना है देखना जरा, 2 है शायद। ठीक है ठीक है, 9n प्लस 6 है, तो कह रहा इनके 18 टर्म का आंसर निकालो। सॉरी दो अलग एपी है भाई, दो अलग अलग एपी है, तो एक काम करो लेट कर लो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट एपी का ए वन एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी डी वन। नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी का ए टू एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी तो क्या है डी टू। नाउ अब क्या बोला है उसने, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में द सम ऑफ सेकेंड एपी। भाई दोनों एपी के सम का रेशो है 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, यही है ना बच्चों। चलो सम ऑफ फर्स्ट एपी n टर्म्स का क्या होगा, n अपॉन 2 टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन अपॉन एन अपॉन टू टू ए टू एन माइनस वन डी टू बराबर 5n प्लस 4 9n प्लस 6। एन बाय टू से एन बाय टू कैंसिल, बच गया 2a1 प्लस एन माइनस वन डी वन अपॉन, हाँ जी 2a2 प्लस एन माइनस वन डी टू। ठीक है ये प्लस 9n प्लस 6 ये फर्स्ट हो गया भाई। नाउ अच्छा बच्चों अब एक बार ध्यान से देखना, अब इसने बोला कि 18th टर्म का रेशो निकालो, किसका निकालो 18th टर्म का रेशो निकालो। ठीक है चलो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन में 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, क्या मैं इसको ए 18 और ए डैश 18 नहीं लिख सकता। ए 18 को खोलूंगा तो ए प्लस में 17 डी हो जाएगा यानी ए वन डी वन और ये ए टू प्लस में 17 डी टू। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या बच्चों आपको इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? तो देखो डी वन है, हाँ जी डी वन है, एन माइनस वन, अरे भाई इसको अगर 18 माइनस एक लिख लूँ तो 17 ही तो हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ ए वन है यहाँ टू ए वन है, यहाँ ए वन है और यहाँ पे क्या है टू ए वन। चलो नीचे भी चेक करते हैं डी टू डी टू 17, अरे भाई इसको अगर मैं 18 माइनस एक लिखूँ तब भी तो 17 आ जाएगा। अब यहाँ ए टू यहाँ है टू ए टू, बस यानी टू की कमी है। तो अगर बच्चों मैं इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास ए 18 अपॉन में ए डैश 18 जो निकालना है क्या वही आ जाएगा? देखो टू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2a1 प्लस में 17 दुनी 34 d1। ठीक है अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 2a2 प्लस में 17 दुनी 34 d2। अभी को बताओ अब इसको सेकंड मान लो, अब जरा इसको मैच करके देखो, देखो 2a1 2a1 n माइनस 1, अरे भाई अब इसको 18 छोड़ के 35 माइनस 1 कर दो तब भी तो 34 आ जाएगा और d1 हाँ जी 2a2 2a2 प्लस 34, इसको अगर मैं n माइनस 1 को 35 माइनस 1 कर दूंगा तब भी तो 34 आ जाएगा, सही बात है d2 d2, तो यानी सेम हो गया। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई n माइनस 1 की ही वैल्यू हमें नहीं पता हो रही है, बाकी a1 मैच कर गया, d1 मैच कर गया, a2 मैच कर गया, d2 मैच कर गया, n माइनस 1 मैच नहीं कर रहा 34 से, तो n कितना आया माइनस 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो ये कितना आ गया 35, तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 35। नाउ अब एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, जब ये पूरा इसके बराबर है
और ये हिस्सा इसके बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी इसके बराबर होगा कि नहीं। फिर से सुनो, ये इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। अभी अभी कंपेयर करके देखा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। सो नाउ द रेशो ऑफ 18th टर्म, रेशो ऑफ 18th टर्म ऑफ बोथ एपी। हाँ जी, तो A18 अपॉन में A-18, तो मैंने अभी अभी क्या बताया, जब ये इसके बराबर तो इसके बराबर भी होगा, तो 5n+4, 9n+6, 5n की जगह पे 35+4, 9 35+6, 35 पंजे 150 और 25 175 प्लस में 4, हाँ भाई 270, 29 27, 270 और 45 कितना हो गया 315, ठीक है प्लस में 6, और ये हो जाएगा 179 और ये हो जाएगा 321। आंसर ये रेशो है बच्चों, समझ रहे हो, ये रेशो है। नोट करो बच्चे इसको, इसका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको खुद करना है। चलो बच्चो, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 12 भी करा ही देता हूँ, मैं ना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है 12th भी मैं करवा ही देता हूँ। GPM नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे, आज मैं आपको सारा AP का सारा खत्म करा दूंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में GP शुरू करेंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है, कह रहा सो दैट द एमथ टर्म एंड एन एनथ टर्म इज 2m-1, ठीक है जी। हाँ भाई, हाँ भाई, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज a1 d1, सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2। नाउ अब क्या करना है, सम ऑफ एम टर्म्स, यही ना, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दे रखा है आपको, एम स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एन टर्म्स, तो भाई ये दे रखा है एम स्क्वायर, ये दे रखा है एन स्क्वायर, खोलना जरा इसको, एम अपॉन में 2, 2a+m-1d, यानी एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एपी एक ही है बच्चों, एपी एक ही है, ठीक है एपी एक ही है, बस एपी है ऑफ एपी, ए एपी डी, एपी एक ही है, एपी के अंदर दो टर्म है उनको करा है, चलो ठीक है, ठीक है करते हैं इसको। हाँ जी, नाउ क्या होगा भाई, सम ऑफ एम टर्म्स अपॉन में सम ऑफ एन टर्म्स, तो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एम तो एम अपॉन 2
टू ए प्लस एम माइनस वन डी एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। टू से टू कटा, एन से एक एन कटा, एक एम से एक एम कटा, ठीक है। बचेगा क्या, टू ए प्लस एम माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर एम अपॉन एन, ठीक है, एम अपॉन एन। नाउ नाउ क्या करेंगे, नाउ अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में आपसे, बोला है कि भाई mth टर्म और nth टर्म को 2m माइनस वन और अपॉन में 2m माइनस वन के बराबर प्रूव करके दिखाओ। उसने ये प्रूव करने के लिए बोला है आपको, ठीक है जी। नाउ क्या करेंगे, हाँ जी, नाउ mth टर्म ऑफ ap अपॉन में nth टर्म ऑफ ap, ठीक है, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, ठीक है। तो ए एम अपॉन में ए अपॉन में ये खुलेगा तो ए प्लस एम माइनस वन डी और ए प्लस में एन माइनस वन डी। ये अब बात ये है कि हम इसको बराबर भी नहीं कर सकते, हम इसको क्या नहीं कर सकते, बराबर भी नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते बराबर, जल्दी बताओ। इस वाले में ऐसे होगा नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है। अच्छा, सॉरी बच्चों, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे हम, पहले वाले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि वहां पे दो अलग अलग एपी थी और उसमें एक कंडीशन फॉलो करानी थी, लेकिन अब की बार एपी एक ही है लेकिन कंडीशन दो अलग अलग करानी है। और उसने बोला है कि भाई मुझे जो mth टर्म और nth टर्म दिखाओगे ना वो 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं। अब भाई यहां m और n की जगह पे तो वो आने से रहे, तो एक काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय रिप्लेस कर देते हैं कि m जो है ना वो 2m माइनस वन के बराबर है, जबकि n जो है वो 2n माइनस वन के बराबर है। तो जहां जहां पर m है वहां पे 2m माइनस वन रख दो, ठीक है, ये माइनस वन तो पहले से ही था। जहां जहां पे n है वहां पे 2n माइनस वन रख दो, और ये वन तो पहले से ही था, और इस m की जगह पे 2m माइनस वन और इसकी जगह पे 2n माइनस वन, रिप्लेस कर दिया बस हमने। अब क्या हो गया, ये 2a प्लस 2m माइनस माइनस वन, 2a प्लस 2n माइनस वन d, सॉरी 2, और ये 2m माइनस वन और ये 2n माइनस वन, हाँ भाई 2a, अंदर से 2 कॉमन आएगा m माइनस वन डी, अंदर से 2 कॉमन आएगा n माइनस वन डी, 2m माइनस वन, 2m माइनस, 2n माइनस वन, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है a प्लस m माइनस वन डी, 2 कॉमन आ रहा है a प्लस n माइनस वन डी, 2m माइनस वन, 2n माइनस वन, 2 से 2 कट गया तो a प्लस में m माइनस वन डी, a प्लस में n माइनस वन डी, 2m माइनस वन, 2n माइनस वन। भाई a प्लस में m माइनस वन डी, ये आपको कैसा लग रहा, बिल्कुल हाँ जी mth टर्म की तरह, और ये कैसा लग रहा है nth टर्म की तरह, क्या ये हैंस प्रूफ हो गए जी, बिल्कुल हो गए हैंस प्रूफ, करो। थर्टीन करा चुका, 14 करा चुका, 15 करा चुका, 16 करा देता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 16, ये नोट करो।
चलो ये हो गया, तो देखो अच्छो आगे इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद पॉलीगन वाला करेंगे और फिर चैप्टर ए 9.1 खत्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जीपी कराऊंगा। कह रहा बिटवीन 1 to 31 एम नंबर हैव बीन इंसर्टेड सच अ वे दैट अ रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ एपी रेशो ऑफ सेवंथ एंड एम माइनस वन टर्म इज 5/9। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, बहुत सिंपल है। पहले तो भाई द गिवन सीक्वेंस इज एपी की तरह दिया हुआ है। हाँ भाई, शुरुआत किससे हो रही है, वन से, और इसके बीच में कह रहा है कितने एम नंबर्स हैं, मतलब A1, A2, A3, A4, डॉट 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 AM, और लास्ट में है 31। लास्ट में क्या है, 31। ठीक है, अच्छा बच्चों जब 31 टर्म है तो बस बात खत्म, जब ये AP की तरह है ना, तो AN इज इक्वल टू A+N-1D, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, अगर मैं इसमें बात करूं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वन। लास्ट टर्म की बात करूं, लास्ट टर्म की बात करूं ए एन, सॉरी लास्ट टर्म की बात करूं तो 31। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो कितने हो जाएंगे बच्चों, यानी एन कितना आ जाएगा। देखो अंदर कितनी टर्म्स हैं, एम टर्म्स, और एक टर्म ये भी है, एक टर्म ये भी है, ध्यान से सुनना, अंदर ही अंदर में कितने टर्म है, एम, तो एम से एक ज्यादा यहां पे भी, एम से एक ज्यादा यहां पे भी, तो एम से कितने ज्यादा, दो ज्यादा, तो नंबर ऑफ एन टर्म्स कितना आ गए, एम प्लस टू, कितना आ गए, एम प्लस टू, और हमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। तो लाओ ए एम प्लस टू बराबर ए प्लस एम प्लस टू माइनस वन डी। भाई ए प्लस ए की पावर ए एम प्लस टू, हाँ जी, ये जो कितना है, ये है हमारा 31, क्योंकि देखो ना, एक एक तो ये हो गया और एम ये हो गया, तो एम प्लस वन और ये है एम प्लस टू, तो यानी हमारा लास्ट टर्म कितना आया है, 31, ए कितना है, वन, और फिर कितना है, प्लस एम प्लस वन डी, ये प्लस का वन इधर आके माइनस का वन, एम प्लस वन डी, ये आ गया 30, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, तो डी की वैल्यू आ गई 30/ में एम प्लस वन। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 30+ में एम प्लस वन। ठीक है, समझ गया ना, एम प्लस टू कहाँ से आया, एम टर्म ये है ही, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो दो टर्म हो गई, तो एम प्लस टू आ गया। नाउ अब क्या क्या बोला उसने, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवंथ, क्या बोला उसने कि सेवंथ टर्म अपॉन में एम माइनस वन टर्म 5:9 के बराबर है, 5/n, यानी सेवंथ टर्म मतलब क्या हो गया, ए सेवन, ये क्या हो गया, ए एम माइनस वन टर्म 5/n, इसको खोलूंगा ए प्लस में 6d, और इसको खोलूंगा ए प्लस में एम माइनस वन डी बराबर 5/9। हाँ भाई, ए कितना है, ए है आपका, ए कितना आपका, ए है वन, तो वन प्लस में 6d अपॉन वन प्लस में एम माइनस 2d बराबर 5/9, तो 1+6d अपॉन 1+m-2, और d की वैल्यू है 30/m, m, हाँ जी, प्लस वन बराबर 5/9। पलट के ऊपर चला जाएगा, सॉरी पहले इससे क्रॉस होएगा, 1+6d यह हो जाएगा m प्लस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 30m-30 × 60, अंदर मल्टीप्लाई कर देना 30 से और नीचे के मल्टीप्लाई नीचे से, m प्लस वन 5/9, तो भाई ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 1+6d एम प्लस वन अपॉन 31m, और ये माइनस का 59, 5/9। ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वन की कर दो m से, वन की कर दो वन से, इसकी कर दो 6dm से। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ भी तो रखूँगा मैं, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसकी इससे कर दोगे प्लस, इससे हो जाएगी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 31m-59। एक काम करो ना यार, यहीं पर रख दो d की वैल्यू, d की वैल्यू 30/m
एम प्लस वन, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस अंदर मल्टीप्लाई 30m माइनस 60 अपॉन में एम प्लस वन, 5/9 अंदर मल्टीप्लाई एम प्लस वन प्लस 6 तिया 18, 180 एम प्लस वन, फिर इसकी भी कर देंगे एम प्लस वन प्लस 30m माइनस 60 अपॉन में एम प्लस वन 5/9। पता है ना क्या किया, क्रॉस मल्टीपल, सबके क्रॉस मल्टीपल, एम प्लस वन से एम प्लस वन कट गया, ये आ गया एम प्लस 181 और ये आएगा एम 31m और ये माइनस का 59 बराबर 5/9। 9 को इससे करेंगे 9m प्लस 9, 9 8 जो 72 का 2 और 7, 9 और 7 कितना हो गया 16 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये 15m माइनस 60 पंजे कितना होता है, 6 पंजे 300, 5 माइनस कर दो 595, ठीक है, इतना हो गया, ये इधर 16 2 9 और इधर आके प्लस का 5 2 9, उधर जाके 155m माइनस 9m, हाँ जी, तो 9 9 कितना होगा 18, 1 5 1 2 और ये आ जाएगा 146m, हाँ जी, इसे कैंसिल आउट करोगे तो m 2 1 5 8 और ये कितना जाएगा 146, कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में जाएगा 146 बन जा 146, तो 54 54 और कितना हो जाएगा 15, 60 69 8, 4 टाइम्स में चला जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है मैंने, नाइन टू नौ पंजे 45, 9 5 25, 25 और 4 29, ये हो गया ना, अब ठीक है, तो 9 और 5 9 और 5 कितना होते हैं, 9 और 5 14, 1 9 और 2 11 और 1 12, आई नो 1 1 9 ऐसा आएगा, 1 9 2 4, 146 ये चला जाएगा 1 टाइम्स में, कितना हो जाएगा 4 50 और 42 42 और 4 46, 4 6 चार बारी में चला जाए तो यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 14, m की वैल्यू कितनी आ गई 14, करो बच्चों, तो ये था हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, सॉरी बच्चों कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी 9 1 9 9 2 8, सही तो है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, चार, हाँ ये जाएगा 4 50 42 और 4, चौरासी,
नहीं भाई नहीं जा रहे 14 बारी में, कुछ गड़बड़ हुई है मेरे को ऐसा लग रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे गलती हुई है मुझसे। अच्छा गलती यहाँ हुई है मुझसे। देखो कह रहा है m माइनस वन एथ टर्म, क्या लेना हमें m माइनस वन एथ टर्म। तो m माइनस वन एथ टर्म जो होगा आपका, टोटल टर्म है आपके कितने? ठीक है नोट करो इसको। इसमें बच्चों मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिकंसर्न करूंगा इसको मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट, हो सकता है इसके अंदर में कुछ गड़बड़ हो। इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रिकंसर्न करूंगा मैं इसको। सॉरी, इसको मैं दोबारा रिकंसर्न करूंगा, फिर देखता हूँ आगे क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलिए जब तक एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। 17th क्वेश्चन आपको करना है, 18th मैं करा रहा हूं। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। चलो भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री, ठीक है जी। तो एपी तो इसका मतलब बनेगी बनेगी। कह रहा अगर सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री, तो एपी क्या बनेगी? 120, 125, 130, 135। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, हाँ जी। देखो बच्चों, सबसे पहले लेट द एपी फ्रॉम द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन। तो भाई एपी क्या बनेगी? देखो सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री, तो अगला 5-5 डिग्री गैप, सबसे बड़ा क्या बनेगा हमें नहीं पता। तो फर्स्ट टर्म क्या आया आपका? फर्स्ट टर्म आ गया आपका 120, डी क्या आया आपका 5 डिग्री। इसने पहले ही बता दिया डिफरेंस है भाई, ठीक है। अब इसने बोला है कि भाई सम ऑफ, नाउ कह रहा है क्या बोला इसने, इसने बोला कि भाई सम ऑफ हमें सॉरी सम ऑफ नहीं, नंबर ऑफ द साइड चाहिए हमें, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, हाँ आप एक काम करो, एक और लेट करो, लेट द नंबर ऑफ साइड्स साइड्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की साइड आप मान लो एन, पॉलीगन की साइड कितनी मान लो एन। अब मैं आपको बताता हूं इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 एन माइनस टू। क्या होता है? 180 एन माइनस टू। एन कौन है? नंबर ऑफ साइड्स। एन कौन है? नंबर ऑफ साइड्स। बस बात खत्म। एन का फॉर्मूला लगा लो एस एन का, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 180 एन माइनस टू, ठीक है जी।
एन अपॉन टू, टू ए की वैल्यू कितनी है 120, एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है 5, 180 एन माइनस टू, एन अपॉन टू यह जाएगा 240, 5n माइनस 5, 180 एन माइनस टू। इसमें मेन जो है ना बच्चों वो ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला याद है तब तो कर लोगे, नहीं आया तो फिर गए काम से, उठा के वहां ले जाओ। टू यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, वहां मल्टीप्लाई करेगा, तो n 240 में से ये गया 235, 235 प्लस में 5n, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी 360 एन माइनस टू, अंदर मल्टीप्लाई करो 5n स्क्वायर प्लस में 235n, अंदर मल्टीप्लाई कर ले 360n, और ये अंदर मल्टीप्लाई करो 720, उठा के इधर ले आओ 5n स्क्वायर 235n माइनस 360n प्लस 720 बराबर 0, 5n स्क्वायर माइनस करो इसमें से तो कितना आ जाएगा 100 और 25, 125 माइनस 125 प्लस में 720 बराबर 0, 5 कॉमन ले लो इसमें से, कितने कॉमन ले लो 5 कॉमन ले लो, हाँ जी तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 1, ठीक है 244 बराबर 0, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आ जाके डिवाइड। तो भाई इसका फैक्टर बना दो, क्या फैक्टर बनेगा भाई, हाँ जी 144 का फैक्टर बनाओ, 25 आना चाहिए, बनाओ भाई 272, 230 नहीं हाँ 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, क्या बना दो भाई 8 और 9 नहीं बनेगा, 3 तिया 9 दुनी 18, 18 और 8 तब भी नहीं बनेगा, 2 दुनी 4 दुनी 8 तिया, 8 तिया 24 तब भी नहीं बनेगा भाई, 25 का फैक्टर बनाना है, कैसे बनाए कैसे बनाए, 2 दुनी 4 तिया 12 तब भी नहीं बन रहा, और अगर मैं कर दूं भाई कितना, हाँ 16 और 9 कर दो तो कैसा रहेगा, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 और 3 तिया 9, बस हो गया काम, ठीक है भाई n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n, क्यों, क्योंकि 16 और 9 दोनों का ऐड करूंगा 25 आएगा, लेकिन मुझे माइनस का 25 चाहिए तो दोनों माइनस के लेंगे, प्लस इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ 16 × 9, तो n कॉमन ले लो n माइनस 16 और माइनस 9 कॉमन ले लो n माइनस 16, तो n माइनस 16 n माइनस 9 बराबर 0, एन माइनस 16 बराबर 0 एक बार और एक बार इसको 0 के बराबर, माइनस इधर आके प्लस, माइनस इधर आके प्लस, अब दोनों में से कोई एक वैल्यू लाई करेगी, चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ठीक है चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करे ठीक है उसका, यहाँ पे 16 माइनस 2 ठीक है, यानी वैसे तो दोनों वैल्यू प्लस की है ठीक है, लेकिन कोई एक ही वैल्यू लाई करेगी, जहां तक मेरे को लगता है 9 करेगा, ठीक है 9 करेगा, ठीक है यहाँ पे रख के देखोगे देख लेना दोनों के बराबर किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है चलिए ये हो गया बच्चों, तो इसी के हिसाब से आज की क्लास यहीं ओवर होती है, ठीक है और जो वाले क्वेश्चन मैं उसके एक बार दोबारा रिकंसर्न करूंगा क्या गलती हुई उसमें, ठीक है हो सकता है मैंने कहीं माइनस प्लस में गलती कर दी हो इस वजह से ना आ रहा हो, ठीक है बाकी मैं चेक कर लूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको उसको पूरा करा के जीपी शुरू करेंगे, ठीक है चलिए यहीं खत्म करते हैं आज की क्लास।